हाय एवरीवन, आई एम निलंजना घोषाल, मदर ऑफ नीलाभू घोषाल। मेरे बच्चे नीलाभू घोषाल आज 6 महीना ही हमिंग बर्ड स्कूल में कंप्लीट किया है। मैं टोटल इंटर हमिंग बर्ड टीम को पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ फॉर देयर टायरलेस एफर्ट फॉर माय सन। एंड स्पेशल थैंक्स टू सीमा मैडम, क्योंकि वो रोज स्पीच करवा रही है, उसीलिए मेरा बेटा का स्पीच में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। फिलहाल वो अपना नीड्स पूरा क्लियरली बोल नहीं पाता, पर बहुत बोल पाता है पहले से। एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू गिव। थैंक यू मैम एंड थैंक यू एंटर हमिंग बर्ड टीम। विश्वनाथ, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हमिंग बर्ड अकेडमी में मैंने 6 महीने पहले कराया था। उसमें इन्हें स्पीच की प्रॉब्लम थी, बट अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है। मैं सभी शिक्षकों और मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके सीमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी लगातार मेहनत और अथक प्रयास के कारण हमारी बच्ची में आज इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। ये कुशाग्र रंजन है, ये अभी हमिंग बर्ड जा रहा है। वहाँ पे एक स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल चलाई जाती है। वहाँ से कुशाग्र अभी कुछ बहुत कुछ बोलना शुरू किया है। कैसे हो कुशाग्र? आज खाना खाए हो? क्या क्या खाए हो बताओ। इडली और क्या खाए हो? और जॉनी जॉनी आता है? तो ये बाबा इतु बाबा ये बाबा अजो वेरी गुड। हमिंग बर्ड एकेडमी के सभी टीचर्स को थैंक यू, स्पेशली सीमा मैम, थैंक यू ऑल। बोलो बेटा थैंक यू। तो तू बोलो थैंक यू मैम। तो जी तो मेरा बच्चा श्रेयांश मेरे लिए भगवान का प्रसाद है, और उस भगवान का प्रसाद है तो ये स्कूल मंदिर है। क्लैप क्लैप एवरीबॉडी क्लैप। और इस स्कूल को सिर्फ हम एक ही लाइफ में एक ही शब्द में उसको हम निपटा देंगे। मंदिर मंदिर और मंदिर, ममता का मंदिर। ये जो आपने लास्ट वर्ड कहा ना, ममता का मंदिर, ये वही है। ये हाय, मैं खुशबू कुमारी, मेरा बेटा हर्षित 1 साल से हमिंग बर्ड प्ले स्कूल हटिया में पढ़ रहा है। वो बिल्कुल 0 से लेकर 1 की नर्सरी पूरी तरह कंप्लीट कर चुका है। ये स्कूल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। मेरा बेटा हमिंग बर्ड यहाँ प्ले स्कूल में पढ़ता है, यहाँ का फैसिलिटी अच्छा है, बच्चों का केयर होता है, टीचर सब अच्छे हैं। आप चाहें तो यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चों का। थैंक यू सर। इसका एडमिशन मैं जुलाई में करवाई थी, बट अगस्त लास्ट करते करते ये क्लियर हो गया था। बहुत सारे वर्ड पकड़ने लगी थी और ABCD भी बोलने लगी, 1 2 थोड़ा राइट लिखने में है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट, अब आगे और देखना है। ओके स्टार्ट। यस, हमने अपने सन आर्यन प्रसाद को इस स्कूल में एडमिशन कराया था। एक्चुअली हम बाहर से आए थे और बीच टाइम में इसको हमने जुलाई के आसपास को ज्वाइन करवाया था। इनिशियल टाइम में तो वो ज्यादा मुझे तो थोड़ा सा कंसर्न था कि बोलता बहुत कम था, तो बड़े स्कूल में इसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इस स्कूल में उसने 2-3 महीना सरवाइव किया और इतना बढ़िया से ट्रेंड कर दिए यहाँ के टीचर और यहाँ के मैम कि उसको रांची के स्टॉप स्कूल सेंट थॉमस दुर्वा में हो गया एडमिशन। और जहां जहां उसने एग्जाम दिया जहां जहां क्लियर कर लिया, इसका मतलब यह था कि वेल प्रिपेयर था और बोलने में रिटेनिंग दोनों में। इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमिंग बर्ड बेस्ट। हाँ मैम, ये गुड मॉर्निंग मैम, ये अनुष्का को जब मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया था तो उस समय तो कुछ भी नहीं जान रही थी, पूरा नहीं भी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। मतलब ABCD बोलना, 1 2 3 4 भी इसका शुरू हो गया, प्लस
चीज को पकड़ती है, जैसे पानी कौन सा है, सामान कहाँ रखना है, ये सब चीज को पकड़ रही है। ओवरऑल ठीक ही हमको इसका परफॉर्मेंस लग रहा है। सैट काफी अच्छा स्कूल है, मेरी बेटी ने अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत खुशी थी। केयरिंग अच्छा है, आपने केयर किया बताया अच्छा है। सैट गुड मॉर्निंग मैम, इसका पहले से तो बहुत बेटर है और इम्प्रूव भी है, उसमें बोलने लगी है, वो बहुत सी चीज पकड़ती है, जैसे पानी को पहले मैम इज गुड एंड गुड लर्निंग, वेरी गुड स्कूल। हेलो, मेरा नाम उत्तम है और मेरा बेटा आरव इस स्कूल में लास्ट 1 ईयर से आ रहा है। और पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल के जो टीचर्स हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। और मैंने जिस कंडीशन में अपने बच्चे को लाके यहाँ पे रखा उससे आज के डेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, चाहे वो उसके डाइट से रिलेटेड हो, उसके अपीयरेंस से, उसके बिहेव से, उसके करिकुलम एक्टिविटीज़ से, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चे को फ्यूचर को देखते हुए, कि वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं कि आप जब दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज इस स्कूल के आसपास जितने भी बच्चे हैं, अगर वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं कहीं स्कूल, दूसरे प्ले स्कूल अपने बच्चों को भेजने के लिए, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग अगर ऐसे कोई स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार आकर के यहाँ पे टीचर से मिल सकते हैं। हमिंग बर्ड प्ले स्कूल इज वेरी नाइस प्ले स्कूल, द टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी गुड, दे विल टीच वेरी गुड एंड माई चाइल्ड इज वेरी गुड, she is improving in everything, so excellent school, thank you sir। स्कूल स्कूल में जब से हमने बच्चे को डाला है इसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इस एरिया में। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है यहाँ से बनाए, ताकि वो एक बेटर स्कूल में एक बेटर लाइफ आगे फ्यूचर में दे सके और उसको पा सके, यहाँ से चीजें अचीव होती हैं, ये फील किया है। थैंक यू। स्कूल तो अच्छा ही है, जब से बाबू को भेजे हम लोग बहुत सुधार देखे और घर में उनका स्कूल बढ़ता भी नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ आने अपना सब सही रहा, मैं हम लोग भी सब सही है, अच्छा रहा। और मैं हमिंग बर्ड में मेरा बच्चा पढ़ रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल फ्रेंक हो चुका है और उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब ये काफ़ी हद तक बोलना चाहिए तो पढ़ने में एक्टिविटी में जो पहले पीछे रहता था वो आगे आ चुका है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हमिंग बर्ड स्कूल तो बहुत अच्छा है और मैम सभी अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा करती है, मेरे बच्चे को बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं 2 साल यहाँ और रखूँ उसको, ताकि और अच्छा कुछ सीख सक कर सकूँ। बट अकेडमी बहुत ही अच्छा है, टीचर्स बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, मेरी बच्ची का डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा हो रहा है, लिखने और बोलने दोनों में सोशल हो गई है मेरी बेटी। स्कूल अच्छा है, मैम लोग भी अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा सीख रहा है, काफी अच्छा किया है अभी तक। बच्चे टीचर जो है बहुत अच्छे हैं और सभी टीचर्स बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, है ना, और नंबर भी मिलता है। छोटे बच्चों के लिए ये स्कूल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ के टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बच्चे पे ध्यान देते हैं सभी टीचर। This school is very good school in our area and all teachers are very good and supportive, loving and caring.